हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग GS2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है। हमने GS2 का जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, उसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसी प्लेलिस्ट में जो पहला वीडियो है वो डिटेल सिलेबस का है। आप जाकर के GS2 का डिटेल सिलेबस जरूर एक बार देख लीजिए, उसको अपने हाथों से पेज पर लिख लीजिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कोई टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। इसमें आपका प्री मेंस सारा पर्सपेक्टिव इस टॉपिक को लेकर के क्लियर हो जाएगा। आपको करना ये है कि आपको A4 साइज की सीट्स लेने हैं, ब्लैंक सीट, उसमें एक चौथाई हिस्सा खाली खाली छोड़ देना है और बाकी के हिस्सों पे लिखना है, ताकि जब फ्यूचर में कभी आप कोई चीज़ ऐड करना हो तो उसी पेज पे आप लिख सकें कॉर्नर में, ठीक है। तो आप 2 या 3 कलर के पेन यूज़ कीजिएगा और एक चौथाई हिस्सा छोड़ करके लिखते चलिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ने से पहले हमें 4 कार्डिनल वैल्यू जो प्लेटो के हैं उसको समझ लीजिए कि कौन कौन से 4 कार्डिनल वैल्यूज हैं, ठीक है। देखिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कार्डिनल वैल्यू में जस्टिस भी एक आता है, मतलब जस्टिस का भी स्थान है। तो विजडम, फोर्टिट्यूड, टेम्परेंस, मतलब किसी भी अनएथिकल थिंग्स को रेसिस्ट करना, ठीक है, टेम्परेंस एंड जस्टिस, ये 4 चीज़ें जो हैं वो क्या हो गया, कार्डिनल वैल्यू। देखिए, एग्जाम में अगर आपको ऐसा लिखना होगा ना, तो बस वो हब एंड स्कोप स्पोक वाला डायग्राम बनाइएगा, सीधे बीच में लिख दीजिएगा ऐसे। देखिए, मैं ये कार्डिनल वैल्यूज लिख दिया, ठीक है। ऐसा गोला बनाइएगा, इस तरफ इधर करके लिख दीजिएगा विजडम, ठीक है, इस तरफ करके लिख दीजिएगा जस्टिस, एक तरफ से लीजिएगा फोर्टिट्यूड, इस तरफ से लीजिएगा टेम्परेंस। बात समझ में आएगा। तो ऐसे हैव एन स्पोक स्कोप बनाइएगा ना, तो हैव एन स्पोक से थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी आप कॉपी पे रख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, विजडम, फोर्टिट्यूड, टेम्परेंस और जस्टिस से 4 कार्डिनल वैल्यू प्लेटो है, इसे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, जस्टिस जो है वो क्या होता है। जस्टिस जो है मतलब हो गया किसी भी चीज़ को फेयर तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और उसमें फेयरनेस रहता है तो वो जस्टिस है। अगर कोई लड़ाई हुआ है और फेयर तरीके से उसको सुलझा लिया गया तो वो जस्टिस है, ठीक है। तो जस्टिस को हमने 3 तरीके से बांटा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिफॉर्मेटिव जस्टिस और रिट्रीब्यूटिव। तो आप अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और लिखते चलिएगा। जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे वैसे सेम छाप लीजिए, मैं सीधे बोलता हूँ, सेम छाप लीजिए वैसा ही, और इसको ही रिप्लीकेट करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। इससे अच्छा नोट्स मुझे नहीं लगता है कि आपको YouTube पे मिलेगा भी, ठीक है। आप खुद से बना सकते हैं, जो 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 चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको लिखिए, ओके। तो जस्टिस क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, रिफॉर्मेटिव जस्टिस है और रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है। अब चलिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये देखने की आती है कि एक किस किस चीज़ से मिलकर बना, व्हाट इट कंप्राइज ऑफ। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और इसके साथ साथ लीगल फ्रेमवर्क, ये दो चीज़ जो है वो मिलकर के क्या बनाता है, व्हाट इट क्या बनाता है, क्रिमिनल जस्टिस। देखिए, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क, देखिए लीगल फ्रेमवर्क में IPC, CRPC और स्टेट लॉज भी आते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, जब भी आप पढ़िएगा ना उसको समझ में आ जाएगा आपको। तो समझ में आया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या आएगा, पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, दूसरा लीगल फ्रेमवर्क, इतना समझ में आ गया। तीसरा, चलिए आप अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए, एम क्या है इसका, पहला एम है वर्किंग टुवार्ड्स फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होना चाहिए, ये पहला एम है इसका। दूसरा एम क्या है इसका, नेक्सस एज्यूमिंग क्विक जस्टिस, ठीक है, क्विक जस्टिस के लिए नेक्सस होना चाहिए तुरंत, ठीक है। दूसरा और आगे का क्या पॉइंट लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन टू वीकर सेक्शन, एकदम इजी है, आपको याद हो जाएगा। फिर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है ना, रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स, डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ये सारे पॉइंट आपको मतलब वीडियो को पॉज करके लिख लेने हैं, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, बढ़े आगे। चलिए, पिलर्स, अब आगे चलते हैं, इसके पिलर्स क्या क्या हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पहला पिलर है और दूसरा पिलर है लीगल फ्रेमवर्क। तो ये जो मैंने आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बताया था, ये यही है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और ये लीगल फ्रेमवर्क, ये हो गया
लीगल फ्रेमवर्क। तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चाहे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या क्या आएगा, पुलिस आएगा, जुडिशियरी आएगा, प्रोजिक्यूटर्स आएंगे, लॉयर जिसको बोलते हैं, लॉयर प्लीडर है ना, वकील जो है, फिर प्रिजन्स आ जाएंगे, जेल है ना, और लीगल में तो बता ही दिया है सीआरपीसी, आईपीसी, स्टेट लॉज है ना। तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, एनसीआरबी और एनजेडीसी, जब भी पुलिस और प्रिजन के डेटा को लिया लिया जाता है तो हम लोग क्या रेफर करते हैं, वी रेफर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, फिर मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में सुविधा रहेगी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो एनसीआरबी है, और एनजेडीसी है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। तो पुलिस और प्रिजन डेटा के लिए है वी रेफर एनसीआरबी, और जुडिशरी डेटा के लिए वी रेफर एनजेडीजी। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, डेटा कैसा है। ये जो डेटा है इसमें हमने पहला पॉइंट जो रखा है वो है क्राइम रजिस्टर्ड। देखिए क्राइम रजिस्टर्ड में 66 लाख क्राइम जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, बाकी तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, गांव वगैरह में तो जनरली वैसे भी लोक लाज के हिसाब से भी देख करके बहुत सारे क्राइम को वो रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, पेटी क्राइम ऐसे शहरों में भी बहुत सारा, जैसे किसी का मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, बहुत सारे लोग नहीं करते, मोबाइल वगैरह में तो कर भी देते हैं, लेकिन पर्स अगर छीन जाता है तो जनरली लोग नहीं करते है ना, पॉकेट मार लिया किसी का, तो पेटी क्राइम्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो इस सब में भी नहीं होता है। तो अर्बन एरिया में भी आप देखिएगा और रूरल एरिया में भी देखिएगा, क्राइम रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं होता है फिलहाल, अब तो पहले से ज़्यादा होने लग गया लेकिन अभी भी नहीं होता है। तो क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, 28% का राइज हो गया है क्राइम बढ़ने में। ठीक है, पिछले सालों से अभी जो है वो 28% का राइज है। साइबर क्राइम भी जो है ये बढ़ने लग गया है, ये देखिए साइबर क्राइम 4% से बढ़ गया है। वहीं अगर कन्विक्शन रेट देखिएगा तो ये डिक्रीज हो गया है, कन्विक्शन रेट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, मतलब सिर्फ 29% क्राइम जो है वो लिखित रूप से जो है वो FIR वगैरह जो कराया जाता है, सिर्फ 29% उसमें FIR जो कराया जाता है उसमें से 29% केस में जो है वो कन्विक्शन होता है। समझ में आई बात, राइटिंग में अगर कहा जाए तो 29% केस का ही कन्विक्शन होता है। अब देखिए पनिशमेंट कितने लोगों का होता है, अगर रेप का केस देखा जाए तो 39% को पनिशमेंट दिया जाता है, और मर्डर के केस में 41% को सिर्फ दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी रेप के केस की बात किया जाए तो 39% को पनिशमेंट दिया गया है, यानी आप समझ लीजिए कि 61% आदमी जो रेपिस्ट है वो बच जाता है, उसको पनिशमेंट नहीं होता है, या तो मान लो बहुत ज्यादा होगा तो जेल में रहेगा, ट्रायल चलेगा उसका, उसको कुछ सजा नहीं मिलेगा, जैसे कितने को मिलता है ना, उम्र कैद, फांसी, हर तरह की सजा जो दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेव, मतलब कितना ग्रेव है, कितना हीनियस क्राइम है ना। तो उस बेस पे अगर देखिए तो सिर्फ 39% को सजा मिलती है, 61% बच जाते हैं, और मर्डर के केस में 59% बच जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये बचने वाले हैं, और 39% को पनिशमेंट ही जाता है, और मर्डर के केस में 41% को। डेटा एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से आगे बढ़ें, इसको बंद कर, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलिए अब जो है नंबर ऑफ क्राइम जो है वो कितना है, देखिए पहले नंबर ऑफ क्राइम जो है 385 पर लाख, मतलब 1 लाख आदमी पे 385 क्राइम होता था, जो अब इंक्रीज होकर के 487 हो गया है पर लाख पे। ये रिसेंट डेटा है, अभी 2024 में जो लोग भी मेंस लिखेंगे उनके लिए तो बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं है, 2024 के बाद वाले जो लोग मेंस लिखने वाले हैं वो लोग इस डेटा को अपने मेंस एग्जाम से पहले एक बार रिफ्रेश कर ले। अब इसके बाद जितना भी लेक्चर आएगा सबको एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन चेंज करना पड़ेगा, 66, 28 और ये वाला पोर्शन चेंज, क्योंकि ये तो लिखा ही है मैंने। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा अगर चेंज हुआ तो। ठीक है, वैसे जनरली मैक्सिमम डेटा सेम ही रहता है, समझ में आने के बाद। चलिए तो मैंने क्या बता दिया, नंबर ऑफ क्राइम जो है 385 पर लाख था, वो इंक्रीज होकर के 487 पर लाख हो गया है। देखिए
एनसीआरबी जो है वो एक डेटा निकालती है, एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्राइम इन इंडिया। क्राइम इन इंडिया, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए अंडर ट्रायल जो है, अंडर ट्रायल केस जो है वो 67%, अंडर ट्रायल केस कितना है 67%, ओवरक्राउडेड कितना है 120। अब देखिए ये पीपुल जो प्रिजन में है वो 120%, यानी कि हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा हम क्या करते हैं जेल में ठूस के भर देते हैं, हमारे पास उतना नंबर अब जेल ही नहीं है। जो एनजेडीसी है, एनजेडीसी कहता है कि हमारे पास जो जेल है मतलब अभी 6.1 लाख प्रिजनर्स हैं हमारे पास जेल में कैदी, और टोटल जेल कितने हैं 1378 जेल हैं, ठीक है। तो 80% उसमें से अंडर ट्रायल है, समझ रहे हो, 80% सिर्फ अंडर ट्रायल है, कन्विक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। और एनजेडीसी के द्वारा 4.4 करोड़ केस जो है वो अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, 4.4 करोड़ केस जो है अभी भी पेंडिंग है। तो इस तरीके से ये डेटा आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलें आगे, बीच बीच में और डेटा आएगा उसको हम और लिखाते चलेंगे आपको। तो यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है तो वेल एंड गुड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल्स पे कुछ कहा है, क्या कहा है कि जब भी कोई मतलब अल्टीमेट एक्विटल होता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि विथ कंटिन्यूड कस्टडी वुड बी केस ऑफ ग्रीव इनजस्टिस, मतलब किसी व्यक्ति को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद भी उसके ऊपर कस्टडी रखी गई है, निगरानी रखी गई है, भैया आप उसको छोड़ दिए हो उसको तो अब चैन से जीने दो, समझ रहे हो मेरी बात को। कोई आदमी अगर किसी केस में गलत रूप से फंसा लिया जाता है और फिर उसको जस्टिस मिलती है कि ठीक है ये उस केस में हिस्सेदार नहीं था, उसको छोड़ दिया गया, लेकिन शक की निगाह तो होती ही है ना, पर्सनल्स पे जो भी इस केस से रिलेटेड पर्सनल्स हैं, तो उसके बाद भी वो लोग कस्टडी उसके ऊपर रखते हैं, निगरानी रखते हैं, तो ये भी एक तरीके से इनजस्टिस का चीज़ है, उसको उसका भी पर्सनल लाइफ है, उसको भी लाइफ जीने दो, उसको क्यों डर के सदमे में रखे हो, है ना, उसको बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार उसका जो है थाने में बुला रहे हैं, तो ये भी उसका भी तो लाइफ हैम्पर होता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अल्टीमेट एक्विटल विद कंटिन्यूड कस्टडी वुड बी अ केस ऑफ ग्रेव इनजस्टिस। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और कहा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिंग सेंटर टू कंसीडर फ्रेमिंग न्यू लेजिस्लेशन ऑन बेल, ठीक है, बेल पे एक नया लेजिस्लेशन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे, टू स्ट्रीमलाइन द रिलीज ऑफ एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, नोटिंग दैट, क्या नोट करने के लिए कहा है कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एज इट एग्जिस्ट टुडे इज अ कंटिन्यूशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एरा विद इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द कैटेगरी ऑफ प्रिजन्स, द मेजोरिटी मे नॉट इवन बी अरेस्टेड डिस्पाइट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, विच इज बींग चार्ज विथ ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर 7 ईयर और लेस। मतलब कह रहे हैं कि ये देखिए क्या कह रहे हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो आज के डेट में जो है वो तो प्री इंडिपेंडेंस इरा का है बहुत केसों में, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि जो मेजोरिटी है दे मे नॉट इवन अरेस्टेड, उसको अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा, जबकि उसके बारे में उसका FIR भी किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है उसका, फिर भी अरेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा कई केस में देखा गया है, ठीक है। तो इसको बीइंग चार्ज्ड विथ ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर 7 ईयर्स और लेस, उससे भी 7 ईयर्स उससे कम के लिए तो अगर कोई केस है 7 ईयर्स है उससे कम वाला जो कोई केस है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई केस है उसमें 7 साल उससे कम आपको सजा हो सकती है, वो उस केस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि ऐसे लोग जो 7 साल या कम से सजा वाले हैं इसमें दे आर नॉट ओनली पुअर एंड इलिटरेट बट वुड इंक्लूड वुमन, इसमें सिर्फ पुअर और इलिटरेट लोग ही नहीं है इसमें वुमन भी है, सो देयर इज अ कल्चर ऑफ ऑफेंस बीइंग इनहेरिटेड बाय मेनी ऑफ देम, सो ये कल्चर डेवलप हो गया है सबके द्वारा ऑफेंस करने का, क्योंकि वो ये समझते हैं कि 7 साल या उससे कम का सजा है क्या होगा, कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं क्या होगा 7 साल जेल में रहें उससे बाद फिर ठीक है कर लेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। तो और ये भी देखा गया कि कई ऐसे केसेस हैं
जिसमें अगर 7 साल से कम की है तो मेजोरिटी में का अरेस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके के कॉग्निजेबल डिफेंस में भी, तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि कस्टडी अगर में रखना किसी को छोड़ने के बाद भी, ये भी गलत है, और ये सजा जो हो गया 7 साल या उससे कम में, उसमें भी रजिस्ट्रेशन के बावजूद अरेस्ट नहीं करना, ये भी गलत है, ठीक है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आप इसको अच्छे से देख करके लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट, पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पुअर अगर है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए पहला इम्पैक्ट है ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी वुड वैनिश, सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी से लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर का राइज हो जाएगा, ये क्या है, ये इंक्रीजिंग का साइन, ठीक है। जब भी मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो ऐसे अप एरो करके दे दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग इन मॉब लिंचिंग लाइक एक्टिविटीज, ओवर क्रिमिनल जस्टिस है, आदमी भीड़ पकड़ के मार देगा, किसी पे केस ही नहीं बनेगा, समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए मॉब लिंचिंग लाइक एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। लोअर FDI, फॉरेन डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, अगर आपके यहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी अच्छा नहीं है और कोई बंदा आता है अमेरिका से आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए हमारे किसी स्टेट में, और वहाँ पे उसके साथ में रंगदारी टैक्स मांगते हैं या फिर उसको कोई भी जो लोकल गुंडा लोग वो लोग तंग करते हैं, केस करते हैं, उस केस का सुनवाई नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, दोबारा थोड़ी ना आएगा, किसी और दूसरे को थोड़ी ना बोलेगा कि आप वहाँ पे जाकर के बिजनेस कीजिए, नहीं ना। तो लोअर FDI से क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसका इम्पैक्ट ये है, हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है खराब होने लग जाएगा इससे, समझ रहे हो मेरी बात को। अगला पॉइंट क्या है कि नो और लो टैक्स कलेक्शन, मतलब ब्रेन ड्रेन होता है। क्या कहने का मतलब है कि चूंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा नहीं है इसीलिए लोग ब्रेन ड्रेन करते हैं। ब्रेन ड्रेन करने का मतलब, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो सही से न्याय भी नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे रुके क्यों, हम दूसरे कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे अच्छा न्याय मिलता है, तो वो यूरोप चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो यहाँ ब्रेन ड्रेन होता है, मतलब यहाँ का अच्छा माइंड जो है वहाँ पे काम करेगा, नासा में काम करेगा, फेसबुक गूगल में काम करेगा, समझ रहे मेरी बात के। ब्रेन तो इंडिया का है, आप अभी भी देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वहाँ पे मैक्सिमम इंडिया इंडियन लोग बैठा हुआ है, सब ब्रेन ड्रेन करके, है ना। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग वहां चले जाएंगे कमाएंगे, लेकिन उन लोगों का जो पैसा है वो टैक्स कलेक्शन के रूप में भारत को नहीं मिलेगा अच्छे से, ठीक है। कुछ लोगों का रिमिटेंस जरूर मिलता है, रिमिटेंस मतलब वहां से जो पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं, आप अरबिया चले जाएंगे कमाने के लिए, ठीक है, अरब के किसी कंट्री में, वहां से अपने फैमिली को पैसा भेजेंगे तो वो रिमिटेंस होंगे। तो वैसे ही कोई आदमी किसी कंट्री में काम कर रहा है वहां से पैसा भेज रहा है तो वो रिमिटेंस है, रिमिटेंस तो जरूर आएगा, लेकिन जो टैक्स आना था सरकार को, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, वो तो नहीं मिल रहा है सरकार को, तो उस कंट्री के सरकार को मिल रहा है जहाँ पे वो बच्चे काम कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को। तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा और लो हो जाएगा और नो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से टूरिज्म पे भी बहुत खराब असर पड़ेगा, सिंपल सी बात है, डिग्रेड हो जाएगा, लोगों को भरोसा ही नहीं होगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा है इस यहाँ का है नहीं, और उसको क्या कहते हैं, इनजस्टिस एक तरीके से समझते हैं ना लोग, कि वहाँ जाएंगे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ, कोई ऑफेंस मत होना, मैं खुद बिहार का हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि मैंने बिहार से बाहर जिस स्टेट में पढ़ाई की, मैं 3-4 स्टेट में पढ़ाई की है, वहाँ पे अगर मैं किसी को कहता हूँ बिहार चलो, बिहार चलोगे, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, वहाँ क्राइम बहुत है, जबकि उनको खुद नहीं पता है, उन्होंने खुद NCERB का डेटा नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन जो उनके मन में परसेप्शन है वो बता देते। तो वो व्यक्ति जिसके दिमाग में ये एक इमेज बना हुआ है कि वहाँ क्राइम होता है, वहाँ कट्टा चलता है, वहाँ गोली चलता है, वो क्यों आएगा टूरिज्म करने। तो अगर हमारे यहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाएगा, उसको ये भरोसा हो जाए कि वहाँ जाएंगे अगर कुछ होगा भी तो सेव करने के लिए भी पुलिस है, हमको बचाने के लिए पुलिस है, तो वो आएगा, वो व्यक्ति हमारे देश का जो, हमारे किसी राज्य का जो धरोहर उसको देखने के लिए जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, ठीक है। तो ऐसा टूरिज्म के बारे में भी आपको समझना चाहिए कि टूरिज्म भी जो है वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंक्रीज हो जाएगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। एक टाइम था जब गुंडा पालते थे नेता लोग,
उसके बाद का टाइम क्या हो गया, क्रिमिनलाइजेशन हो गया। गुंडा लोग खुद समझ लगे इसके लिए हम काम करते हैं, हम खुद के लिए काम करें, मतलब हम खुद ही एमपी एमएलए बन जाए। पॉलिटिक्स में क्या हो गया, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ गया। अब तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर सही नहीं रहेगा तो किसी को डर ही नहीं होगा, फिर से क्रिमिनलाइज करके क्या कहते हैं, जबरदस्ती वोट दिलवाएगा, मारपीट करके वोट दिलवाएगा, समझ रहे हो। तो पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाएगा, और क्या हो सकता है, केस की पेंडेंसी बढ़ जाएगी, पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाएगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है नहीं सही, लोग क्राइम पे क्राइम किए जा रहे हैं, तो अब क्राइम करेंगे तो केस भी तो रजिस्टर होगा, तो केस रजिस्टर होगा तो पेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक जो मतलब मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं इस टॉपिक पे, पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इम्पैक्ट पे, वो सब 1, 2, 3, 4 कर, नंबरिंग करके आप लिख लीजिए, और सबको मैंने अच्छे से समझा समझा दिया है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। देखिए पेंडेंसी ऑफ केसेस में सबसे पहली जो लाइन है हम आपको बताना चाहेंगे, विलियम गोल्डस्टोन, इन्होंने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सही टाइम पे अगर जस्टिस नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि उसको जस्टिस डिनाई कर दिया गया, जस्टिस उसको दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो विलियम गोल्डस्टोन के इस कोट को ध्यान में रखिएगा, ये कहीं भी काम आ सकता है, इंटरव्यू में भी, ऐसे राइटिंग में भी, और हो सकता है आपके ऑप्शनल पेपर में भी काम आ जाए अगर उस टाइप का हो तो, और जीएस में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है कि इसका इम्पैक्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, पेंडेंसी है तो अंडर ट्रायल्स बढ़ेगा, अंडर ट्रायल्स का मतलब जो लोग जेल में बंद हैं या फिर कोई केस में फंसे हुए हैं उस पर मुकदमा चले जा रहा है, चले जा रहा है, वो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, जस्टिस जो देते हैं जुडिशरी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे एक ग्रहण लगने लगेंगे, उसका क्रेडिबिलिटी अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है, ग्रेव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ये होगा कि कोई आदमी, जैसे मैंने फेसबुक का एग्जाम्पल दिया कि फेसबुक इंडिया आ रहा है, इंडिया आ गया, उसने हैदराबाद में अपना कोई एक हेडक्वार्टर जैसा बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है उसके साथ में ज्यादती, ज्यादती इन द सेंस कि उसके उसके ऊपर केसेस हो रहे हैं बहुत तरह के हैं, और ट्रिब्यूनल पे ट्रिब्यूनल बने जा रहे हैं, बेचारे का केस का निपटारा नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे बढ़ेगा, उसका नेगेटिव इंप्रेशन बनेगा इंडिया के प्रति, तो उसको देख करके तो दूसरे भी नहीं आएंगे। मैंने उसमें जो पिछला वाला पॉइंट था FDI कम हो जाएगा वहां पे मैंने बताया था आपको, तो वही चीज को यहाँ भी मतलब रिकनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला कि जुडिशरी जो है वो क्या फेस करता है, स्लो मोशन सिंड्रोम। ठीक है, धीरे 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 धीरे, मतलब सनई सनई धीरे धीरे मंथर गति से चलती है, स्लो मोशन सिंड्रोम। ठीक है, ये भी जुडिशरी फेस करती है पेंडेंसी ऑफ केसेस के वजह से, इतना केस है, अब करोड़ में केस पड़ा हुआ है जिसका कोई निपटारा ही नहीं हो रहा है, तो जो उसको निपटान करने के लिए भी आदमी सोचेगा वो भी तो सर पकड़ के बैठ जाएगा यार, कितना केस, कितना हम निपटान करेंगे, समझ रहे मेरी बात को। तो स्लो मोशन सिंड्रोम से भी जुडिशरी जूझ रही है। ठीक है, एक चीज और इसमें समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को, ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि स्लो मोशन सिंड्रोम इससे ही रिलेटेड है, राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है इसको बता दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, किसने कहा, कब कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बापू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, बापू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू ए स्टडी ट्रायल, सॉरी स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीडी ट्रायल्स इज अ फंडामेंटल राइट, बापू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसको सबको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे अगले पॉइंट पे। अब देखिए हमारा जो सेकेंड लास्ट मुद्दा है इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो है रीजन फॉर पेंडेंसी ऑफ केसेस, क्या कारण है कि केसेस की पेंडेंसी हो रही है। तो पहला है ब्रोकेन विंडो सिंड्रोम, एग्जाम में डायरेक्ट यही 3 वर्ड लिख दीजिएगा, ब्रोकेन विंडो सिंड्रोम, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए कोई घर है, उस घर को नया घर है मान लीजिए, उसको आपको खरीदना है, लेकिन उसका एक खिड़की का कांच टूटा हुआ है, तो आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं,
उसको निलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये ब्रोकन विंडो सिंड्रोम ये कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके सिस्टम में जो गलत हैं, आप उसको देख रहे हैं कि गलत है लेकिन फिर भी आप उसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ जा रहे हैं। तो उसको निगलेक्ट मत कीजिए, वहाँ पे जीरो टॉलरेंस का जो है अपना मानसिकता रखिए। वी नीड जीरो टॉलरेंस, ठीक है, मतलब अगर कुछ गलत है उसको वहीं सही करो, टॉलरेट मत करो उसको, ठीक है। तो ब्रोकन विंडो सिंड्रोम जो है पहला रीजन है पेंडेंसी ऑफ केसेस का, ठीक है। दूसरा ये है कि पुलिस में और जुडिशरी में दोनों में वैकेंसी बहुत ज्यादा है। इसको मैं डेटा के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए डेटा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये इंडिया हैज 21 जजेस पर मिलियन और हमको नीड कितना है 50 जज पर मिलियन, मतलब 21 जज है अभी हमारे पास में 1 मिलियन पे पर मिलियन व्यक्ति पे, लेकिन 50 जज चाहिए हमको पर मिलियन व्यक्ति पे। ये किसका, NJDG का डेटा है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का डेटा है, ठीक है। इसमें कहा कि वैकेंसी इन हाई कोर्ट इज 42%, अभी भी 42% वैकेंसी है, मतलब टोटल 1,098 पोस्ट में से ओनली 465, 465 पोस्ट ही ये है क्या कहते हैं वैकेंट है, 465 पोस्ट जो है अभी भी वैकेंट है। 1,098 पोस्ट हैं टोटल, 465 पोस्ट अभी भी वैकेंट हैं। और एक चीज और आपको मैं समझा दूं कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि 1 लाख व्यक्ति पे 222 पुलिस होने चाहिए, जबकि इंडिया ने कहा है कि नहीं 192, 192 मतलब पर लाख पॉपुलेशन, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इंडिया ने इतना कहा, मान लिया कि 192 हम रखेंगे, लेकिन एक्चुअल पर्सनल जो इंडिया अभी अवेलेबल है वो है 144 पर लाख। समझ में आई बात, अभी हमारे पास 1 लाख पॉपुलेशन पे ओनली 144 पुलिस वाले हैं, जबकि इंडिया कहता है होने कितने चाहिए 192 और यूनाइटेड नेशन कितना कहता है 222, ठीक है। इस डेटा को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये और अगला पॉइंट क्या, पहला तो हो गया ब्रोकन विंडो सिंड्रोम, दूसरा हो गया वैकेंसी इन पुलिस एंड जुडिशरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तीसरा है कि लॉ बहुत आर्काइक है, पुराना लॉ है, हेजी लॉ है, मतलब शब्द इतने कठिन से लिख दिए गए हैं कि एक ही लाइन का अलग अलग मीनिंग भी लोग निकालते हैं, शब्दों पे खेल लेते हैं, शब्दों पे डिसीजन हो जाता है, शब्दों पे जो है पूरा पूरा जजमेंट हो जाता है, ठीक है। केशवानंद भारती वाला केस आप जब पढ़िएगा तो एक ही चीज को बोलता है कि हाँ फंडामेंटल जो है, ये फंडामेंटल क्या कहते हैं राइट वाला जो इशू है उसको पढ़िएगा, उसमें भी देखिएगा है ना, एक बार बोलता है कि उसका पार्ट है, एक बार बोलता है प्रियम्बल इसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बोलता है नहीं है इसका पार्ट। अब उसका जो बेस है वो इसी हेजी लॉ की वजह से फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। एट द एंड बाद में हो गया कि हाँ फंडामेंटल जो है उसका पार्ट है, क्या कहते हैं सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, लेकिन आप ये चीज देखिए कि लॉ इतना पुराना इतना हैजी है कि उसको सही से हम प्रेडिक्ट नहीं, सही से हम उसका 100% ट्रू अगर कहें, 100% करेक्ट उसका जो है ये नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब व्याख्या नहीं हो पाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी होता है केस का, ठीक है। उसके बाद में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिएगा सब ऑर्डिनेट लेवल पे, नहीं आप सेशन कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा ना, वहाँ पे देखिएगा कि बिल्डिंग भी नहीं है सही से, बिल्डिंग है तो पंखा नहीं है, टेबल गायब है, आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इसके अलावा PIL इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंक्रीज हो रहा है, ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो रिजोल्यूशन है वो भी जो है वो फोर फ्रंट पे नहीं आ गया, मतलब खुल के नहीं आता है ये चीज़ ADR, ठीक है। इसके बाद में जो प्रोजिक्यूटर्स हैं, जो वकील लोग हैं, उनका भी क्वालिटी अच्छा नहीं है, कहते हैं कि 23% केस जो है वो 10 से ज़्यादा साल से पेंडिंग है, 23% केस। अब उसमें भी ये चीज़ देखिएगा कि कितना करोड़ों में ऐसा केस है जो आदम के बाबा आदम के जमाने से अंग्रेजों के टाइम का भी केस है, वो सब अभी भी पड़ा हुआ, तो उस सबको निस्तारण किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, नो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है जुडिशरी की, मतलब किसी केस को कितना जल्दी सुलझा दिया जाए इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जुडिशरी बोलेगी कि ठीक है हम सुलझा देंगे, हम कब सुलझाएंगे उसका डेट वो नहीं देगा तो चलेगा, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको कोई जवाबदेही नहीं देनी है, ठीक है। जुडिशियल हॉलीडेज जो है उसके नंबर बढ़ रहे हैं, वैकेंसी सॉरी क्या कहते हैं हॉलीडे जो होता है गर्मी छुट्टी के टाइम पे 2-2 महीना का हो जाता है,
ठीक है, तो ये भी एक गड़बड़ चीज है। गवर्नमेंट इज द मेजर लिटिगेंट इन द प्रोसेस, कई ऐसे केसेस है जिसमें गवर्नमेंट खुद ही जो है एक लिटिगेंट है, खुद ही लड़ता है गवर्नमेंट बहुत केस। ठीक है, जैसे आप अभी मैंने बताया कि बापू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, पता है ना, तो स्टेट ऑफ यूपी क्या है, गवर्नमेंट का ही है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे केस देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से भी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट इसको क्या कहते हैं, पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम आ गए हैं इसके लास्ट पार्ट पे कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, वे फॉरवर्ड को ना हम तीन पार्ट में बांटे हैं। एक तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं, दूसरा कि गवर्नमेंट क्या ले अब और क्या कर सकता है, क्या मेजर कर सकता है और भी ले सकता है, और जुडिशरी क्या कर सकता है। देखिए, पहला है कि गवर्नमेंट ने लिम्स की स्थापना की है। लिम्स, LIMBS, ये होता है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम। ठीक है, इसकी स्थापना की है गवर्नमेंट ने। ये एक सिस्टम है जहाँ पे मतलब जो भी लीगल इंफॉर्मेशन है उसका जानकारी आसानी से किसी को भी मिल सकता है। उसके बाद में दूसरा है न्याय मित्रा। न्याय मित्रा में ये टेली लॉज है, मतलब जो भी रिटायर्ड जज हैं उनको हायर किया जाता है ताकि वो लिटिगेंट्स को गाइड कर सकें, इसीलिए न्याय मित्रा का रूप उनको दिया गया है। ठीक है, एक है लोक अदालत, मतलब नालसा का केस आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि लोक अदालत नाम की भी कोई चीज होती है, जो आपको जनरली अगर आप पढ़ना चाहते हैं आज तो आप पॉलिटी के बुक लक्ष्मीकांत में जाकर के पढ़ सकते हैं। और हम अगर आप पढ़ते हैं तो भी और नहीं पढ़ते हैं तो भी हमको नालसा का, ठीक है, ये नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है ये लिख दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इतना आप करिए, नालसा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं समझूंगा कि हाँ मुझे मेरी वीडियो को लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, ओके। फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब 14वां जो फाइनेंस कमीशन है, 14th फाइनेंस कमीशन, उसने कहा कि 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाइए। उन्होंने रिकमेंड किया था ऐसा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है गवर्नमेंट बनाए, तो गवर्नमेंट ने कुछ बनाए भी हैं। ठीक है, और ने गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन बिल लेके आए हैं, मीडिएशन बिल लेके आए हैं, CCTNS की स्थापना की है। ये क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसके अलावा और क्या है गवर्नमेंट, और क्या किया है, और क्या है, नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म, ये इस मिशन को आप ध्यान दीजिएगा 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 2026 तक। ठीक है, ये हो गया जो गवर्नमेंट ने मेजर लिए हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, मतलब गवर्नमेंट क्या और कर सकती है, तो फंडिंग बढ़ा सकती है, इसमें ओनली अभी 0.9% फंडिंग है। इसके अलावा क्या कर सकती है, कंसेंसस बना सकती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ठीक है, समझे। इसके अलावा और क्या कर सकती है, AIJS यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना कर सकती है। और क्या कर सकती है, रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ कर सकती है, जो पुराने लॉ हैं उसको भी ठीक कर सकती है ना, आर्काइक लॉ जो हमने वहाँ लिखे हैं उसको भी ठीक कर सकती है। उसके अलावा जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशरी जो है पहला वो क्या कर सकती है कि प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट, जो भी कोर्ट का मैनेजमेंट उसको री इंजीनियर कर सकती है। PIL की स्क्रीनिंग कर सकती है, और ये देख सकती है कि जिसमें जितना ग्रीव है सिचुएशन, किसको जल्दी निस्तारण किया जाना चाहिए, किसका जल्दी सुनवाई होना चाहिए, वो देख करके उसके स्क्रीनिंग करने के बाद ही उस पर मतलब उसको सुना जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको निस्तारित किया जाना चाहिए। उसके आगे अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, जो भी एडहॉक जजेस हैं उसका भी अपॉइंटमेंट हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी पेंडेंसी जो है वो हटेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी सेट कीजिए और उसको सेंट्रल एजेंसी के रूप में सेट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा किसने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और उसके अलावा जुडिशरी और क्या कर सकती है, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लेकर के आ सकती है। ठीक है, आया समझ? तो इस तरीके से हमें क्या कहते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारी जानकारी हो गई। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ही पढ़िए, और मैं इस वीडियो के साथ आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अगर गुरुदक्षिणा देना हो तो बस उसको शेयर कर दो,
और दो दो चार चार सब्सक्राइबर सब बढ़वा दो, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और ये इतना अच्छा कोर्स तुमको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जितना हम बता रहे हैं उसको निचोड़ लो, लिख लो और पढ़ लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।